तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्ल्ड गाइस। 400 गाइस पर तो गाइस हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक। बहुत टाइम पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि वन ब्लॉक सीरीज वापस से चालू होगी और हो चुकी है। तो ये है अपना वन ब्लॉक, इसे तोड़ते सीधा। ये क्या हुआ, मैं नीचे गिर गया सीधा। वाह भाई वाह, व्हाई यू गोइंग डाउन। अच्छा ये जो नई एडवांसमेंट है वो उसका है आई थिंक सो। वाह भाई ऊपर आ गए। ये क्या ग्रेवल है क्या, ये कौन सा ब्लॉक है? कोर्स डॉट आई थिंक सो। हाँ भाई तो प्रोफेशनल प्लेयर गाइस वापस स्पॉन हो गए। ये क्या है, बार बार टूट के रिजन होके लेकिन मैं मेरे को मिल नहीं रहा। मैंने क्या प्रॉब्लम हो रही है इस वन ब्लॉक में? ये देखो इस बार नया ब्लॉक आया, ये मॉस ब्लॉक। ये देखो वापस, ये क्या है समझ नहीं आ रहा मेरे को। भाई फाइनली मिलकर एक ब्लॉक मिला, अच्छा है कम से कम मैं खड़ा तो हो पाऊंगा। भाई ये वन ब्लॉक नाम से चैलेंज, वाह मुझे तो पता ही नहीं था, पहली बार देखो। लकड़ी टूट जा भाई, देखो इस बार नहीं गिरा हुआ। ये भाई कभी कभार होता है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले अपन बना लेते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल। अरे लग गया, तो अपन और तोड़ते हैं। भाई रुक जा, ये अपन को एक और मिलना है। रुको सर करते हैं, यहाँ पे एक मॉस ब्लॉक, यहाँ पे एक कोर्स बेस्ट। ये देखो भाई 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 फटाफट से मैं थोड़े से तोड़ता हूँ सामान, फिर जीरो तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइस मैं फटाफट से बना लेता हूँ गोल्डन पिकैक्स और एक एक्स बना लेते हैं। ठीक है अपनी एक्स और पिकैक्स, भाई क्या कैसे बनाता हूँ मैं तुम लोग देखो। और अब तोड़ते हैं। और ये कौन सा ब्लॉक है भैया, कोर डर्ट है क्या, समझ में नहीं आ रहा। रूटेड डर्ट भाई, रूटेड डर्ट क्या होता है भाई? माइनक्राफ्ट खेला रूटेड डर्ट पे पहली बार देख रहा हूँ। और इस डर्ट को भी अपन ऐसे लाओ बिल्कुल पड़ भाई। ये देखो क्या है भाई, ये बस फटाफट थोड़े से और ब्लॉक तोड़ने का, फिर से तुमसे मिलता हूँ। योर वर्ल्ड योर रूल्स, गजब भाई गजब। तो गाइस तुम लोगों ने देखा नई एडवांसमेंट मिली योर वर्ल्ड योर रूल्स, मतलब यू गेट अ सैपलिंग। भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं, आई थिंक ये वन ब्लॉक में स्पेशली होती होगी। तो गाइस अपन को थोड़े बहुत ब्लॉक मिले, इससे फटाफट अपने इस बेस को बड़ा बनाते हैं। देखो पहले मैं डालता हूँ लॉग, ओक का प्लैंक्स, ये वॉर्ड स्टेम में मिली है, एक क्रिम्सन स्टेम। ये क्ले से क्या बनाऊँ मैं, क्ले से क्ले ब्लॉक बनता है ना, तो ग्रेवल जैसा सस्ता ग्रेवल जो होता है अपना। हाँ ये बना। तो गाइस अपने पास थोड़ा सा सामान है, इस थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो भाई क्या परफेक्ट बड़ा हो गया। और ये क्या क्ले, अच्छा क्ले नीचे गिर जाता है क्या, देखते हैं। क्ले नीचे नहीं करता, मुझे लगता है क्ले नीचे गिर जाता था। लॉल अब अपन थोड़ा सा प्लैंक्स लगा देते, थोड़ा सा बढ़ा देते इस साइड से, तो मैं लगा देता हूँ ऐसे नहीं, या फिर अभी छोड़ो पहले ग्रास आने दो, इसको लगा दे क्योंकि ये मेन है। ये पॉड्स ऑल आई थिंक कहते ये डर्ट ही, अच्छा मिलती डर्ट है वो। ये भी लगा दिया फटाफट, तोड़ते ऐसे फटाफट से। भाई अपन को और क्या मिला, ओक लॉग मिले और क्या मिला, ये डर्ट मिली, रूटेड डर्ट और ये कोर स्ट्रक्ट। भाई इतने डर्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ, रूटेड डर्ट तो भाई मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैंने देखा भाई ये रूटेड डर्ट क्या है भाई, ये देखो 12 14 12,
इसमें कुछ सोचा अपन बना लेते हैं एक चेस्ट, ताकि कभी मर्ज सामान तो रख ले अपना जो भी इम्पोर्टेंट है। चेस्ट बनाते हैं और एक खोए बना लेते हैं अपन। तो ये सीड है ही अपने पास, सीड कहाँ गया मेरा? एक सेकेंड, सीड कहाँ गया? सैपलिंग था क्या वो? मेरे को सीड मिला। चेस्ट अपन लगेंगे इधर ताकि ऊपर सैपलिंग दिखे नहीं किसी को, और इसमें डाल देते सामान। तो ये सामान डाल दिया मैंने, तो कैसे भी थोड़ा सा म्यूजिक भी ऑन किया है मैंने, मेरा म्यूजिक ऑफ था। ये मिला अपन को क्रिम्सन स्टेम, इसको भी ब्लैंक से फटाफट कन्वर्ट करते हैं। और कितना है इसमें, और कैसे दिन भी होने वाला है। मैं सोच रहा से फटाफट से माइंड करते हैं फटाफट से। A few inches later. मैं थोड़ी देर माइंड कर रहा था, मुझे मिला वार्प स्टेम चार। बना ली चार प्लैंक्स मैंने, ये होगा 4 o'clock, तो चार ये प्लैंक्स भी हो गए। और क्रिम्सन स्टेम के भी प्लैंक्स बना लेते हैं। और क्ले का क्या करूँगा? इसका क्ले से क्ले ही बना लेते हैं, और क्या काम की क्ले? क्ले और बन गई, और डर्ट भी है अपने पास। बेस वापस से बड़ा करा जाते हैं। सोलर टॉट और है मेरे पास, याद है, तो कैसे फटाफट से बड़ा करते हैं। और गाइस ये है अपनी बाउंड्री, बाकी कोई मॉब वॉब आए तो मैं बच जाऊं। बेड भी नहीं ना अपने पास, तो ना सो जाते हो। प्लैंक्स को मैं डाल देता हूँ अंदर। थोड़ा सा क्ले बचाना है, इस क्ले से भी आई थिंक बढ़ा सकते हैं अपन। क्ले से आई थिंक बाउंड्री में लगा दे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये लगा देता हूँ। ले गया वेस्टेड, कोई बात नहीं। चलो ओ ये तो है ना अपने पास। हाँ एक और चाहिए, और अब अपन मॉस ब्लॉक भी था अपने पास, इसको भी लगा था। मॉस ब्लॉक से कुछ बनता है क्या? कुछ नहीं होता मॉस से, चेक करते हैं। मॉस कारपेट, कारपेट सीरियसली कारपेट ही बना लेते, ज़्यादा अच्छा है। उसमें से डेकोरेशन हो जाएगी कारपेट से। मस्त लग रहा है कारपेट तो। अब इसमें मॉस ब्लॉक डाल देता हूँ अंदर, या फिर अभी दे लगा देता हूँ साथ सामने, वापस खुदाई शुरू करी जाए। वाह भाई टूट गया मेरा, कोई तो बात नहीं। चलो वो बड़ा करते हैं पहले, पर बनाते हैं अपने नए टूल्स वापस से। नई कुल्हाड़ी रेडी, फटाफट से खुदाई शुरू। फाइनली माइंड कर लिया है बहुत सामान, पॉप्ड स्टेम बहुत सारी है ने, और के लिए प्लैंक्स बनाते हैं। और स्टेम कितनी स्टेम है? और ये ओक भी है, इवन के प्लैंक्स का बनाते हैं। ये क्ले, एक और क्ले होगा ना अपने पास। अब इस मॉस को हटा के क्ले लगा देता हूँ कि लुक सही रहे। भाई क्या एक वन शॉट था, क्योंकि ध्यान भी नहीं। क्ले भी लग गई, यहाँ पे लगा दे अपना कोर स्टार्ट, नहीं रूटेड, नहीं सिंपल। अब इसमें और अपना बेस वापस से एक्सटेंड करते हैं। बढ़िया भाई, मैं गिर जाता सीधा से। अपन सामान अंदर डाल देते हैं अपना। ये देखो कितना सामान है, मॉस ब्लॉक से मैं सोच रहा हूँ कारपेट ही बनाते बेस्ट। मॉस ब्लॉक से कैसा क्या होता है एक्स्ट्रा? कारपेट बनाते तो कारपेट ही बना लेते बेस्ट।
लुक भी अच्छी हो जाएगी। इसे डालते हैं अंदर और कारपेट लगा देते सीधा, और इसको अपन इसको हटाते एक बार। सैपलिंग इधर लगेगा, खुली हवा में होगा, यहाँ पे लगा तो कारपेट बेस्ट। क्या मस्त है भाई। अभी ये अपना ब्लॉक का चाहिए, मैं भूल गया। वो तो अगर मॉस ब्लॉक पहुंच जाए वो सेम लगेंगे, देखना भी। भाई मॉस इस पॉइंट है और एक और स्लैपिंग इसको भी लगाते हैं, स्लैपिंग नॉट स्लैपिंग, इसे यहाँ पे लगाते हैं फटाफट से और माइंड करते हैं। भाई देखो मॉस पे बिल्कुल सेम लगा। बस डॉक्टर की देख के माइन करने के बाद अपने को और क्या मिला है। ए भाई इतना इतनी लकड़ी का क्या करूँगा मैं, वो भी ले लो और इससे बना लो कारपेट। ये बना कारपेट, एक और लकड़ी बची है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो खतरनाक सी लूट हुए अपने पास, और अपन अब इसको एरिया को और फटाफट से एक्सटेंड करते हैं। फिर मेरे को लगा सैपलिंग गया मेरा, नहीं अच्छा, लेकिन अच्छा बच गया। और एक और ये सैपलिंग झाड़ साथ ही, अपनी झाड़ को बना दे ऐसे और ब्लॉक को चलना है, इसको डॉट से और एक्सटेंड करते हैं। भाई मैं एक चीज भूल गया, मुझे नीचे का ब्लॉक लगाना था, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लगा देना इसको नीचे का लगा, लेकिन कोई बात नहीं अभी नीचे बात लगा दूंगा मैं। अभी इस क्ले को ओपन रख देते ऐसे, और यहाँ पे लगाते कारपेट। भाई क्या मस्त लग रहा है ना, और दिन भी होने वाला है फाइल फाइनली माइनक्राफ्ट का। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई मेरा मुंह से निकल गई। भाई ये अपनी एक्स भी जाने वाली है, अपन एक्स भी बना लेते हैं। नहीं तो अपन ले लेते हैं आई थिंक तीन, एक दो तीन, एग्जैक्ट एक एक्स बन जाएगी ये। कोई को डाला अपन ने स्टिक को अंदर, और अब अपन गाइस इसको यूज कर लेते फटाफट से। भाई ऐसा लग रहा है कि मॉस है लेकिन ये ग्रास है आई थिंक। तो गाइस फटाफट से भाई माइंड करते हैं, आज भाई बहुत मेहनत थी दिन माइनक्राफ्ट का। ये मेरे इतने भारी हाथ देखो भाई, ये माइंड करके करके थक गए भाई, इतना माइंड किया आज मैंने। सोचो अभी कितने ब्लॉक्स माइंड कर लिया होंगे, अराउंड मेरे पास मैंने 100-150 ब्लॉक्स 250 ब्लॉक्स आराम से कर ही लिया होंगे। भाई बच गया मुझे लगा अभी कितने, क्योंकि देखो पर बच गया। अच्छा मेरा ऑटो जंप ऑफ है आई थिंक। ओ भाई क्या बच्चा भाई ना, मैं तो मरता सीधा। अच्छा मेरा ऑटो जंप ऑफ था, फटाफट से सब माइंड करते हैं, मिलते तुमसे थोड़ी सी देर बाद। भाई अपनी एक्स भी चली गई अपनी, भाई मुझे लगा कहाँ से आया अपनी वुडन एक्स बची है एक, और जो मैंने बचा लिया। और फाइनली सुबह हो चुकी है, एक सुहाना दिन माइनक्राफ्ट का अपना गाइस पास हो चुका है इसी के साथ, बिना मरे हम, क्योंकि मॉब स्पॉन नहीं हुए। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। भाई मुझे लगा मॉब आ गया, मैंने इसको ऐसे देखा कि भाई मैं तो सीरियसली डर गया। और अब अपन फटाफट से अपन और क्या कर सकते हैं, वापस इन्हें प्लैंक्स में कन्वर्ट करो और वेस्ट बढ़ा करो। भाई अभी तो सब जब तक स्टार्टिंग के उसके दिन रहते हैं ना, तब तक ऐसे ही चलता है, लेकिन जब थोड़ी प्रोग्रेस होती है आदमी अमीर बनता है। तो भाई तुम लोग को पता ही, जो जो वन ब्लॉक खेलते हैं मतलब जानते कि कैसा लगता है जब आप अमीर हो जाते हो। और भाई ये प्लैंक्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच सच में कोई क्रीपर आ गया, क्योंकि बार बार ऐसी फीलिंग दे रहे हैं। अब वापस पेस बढ़ा करते हैं फटाफट से। गाइस अपने पास 16 क्ले, आई थिंक 4 ब्लॉक बन जाएंगे इजीली। 4 ब्लॉक बनाओ क्ले के। अब अपन कितनी डॉट बची है मेरे पास, 4 डॉट है ना, तो 1 2 3 1
यहाँ पे एक और डॉट अच्छी लगती, चार क्लियर। तो पहले एक और डॉट है क्या, कोई उसको माइंड कर लेते पहले। हाँ तो गाइस एक डॉट आ गई है अपने पास, अब इस डॉट को अपन लगते हैं यहाँ पे नीचे लगाना है ना। रुको एक सेकेंड, इसमें मैंने नहीं लगाया क्या, एक सेकेंड को तो भी नीचे लगाओ। दो डॉट चाहिए अपने को, नहीं दो डॉट नहीं, वेट वेट वेट, अपन अब ऐसे करते हैं यहाँ पे एक क्ले एक क्ले। ये कैसा लग रहा है बेस, तुम लोग बताओ। अपनी छोटी सी भाई, ये मस्त लग रहा है मेरे को तो, तुम लोग कमेंट्स बताना। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पूरे मॉस लगा दूँ और इनको यहाँ पे साइड साइड प्लांट कर दूँ। बेस्ट लग रहा है भाई, क्या खतरनाक बेस लग रहा है अपना स्टार्टिंग के हिसाब से। और इसमें भाई कितनी प्लांट्स है, मैं बड़ा करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कर दूँ। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, अरे दो मॉस ब्लॉक है ना, रुको दो मॉस है ना, कोई बात, एक और मॉस सजा दो पहले, फिर कारपेट बनाएंगे। और इस चेस्ट को मैं सोच रहा हूँ इस मूव कर देते पीछे थोड़ा सा। इस चेस्ट को आई थिंक गाइस यहाँ पे रख, बिल्कुल सेंटर में, और उसमें डाल दे सारा सामान। सब सामान गाइस अंदर चला गया। अब अपन को एक चाहिए ना, इसको इधर लगा दो, बच गया मैं नीचे का ब्लॉक थोड़ा सा टपकता। और अब गाइस बहुत माइनिंग कर ली हमने, माइन पे माइन भाई, माइन पर माइन, कितनी माइन करी हमने, क्या ही बोलूं। तो गाइस मैं सीरियसली थक चुका हूँ खेल खेल के, इतना भाई इतना माइनक्राफ्ट खेल लिया अपन ने आज। एक दिन के हिसाब से ग्राइंडिंग ठीक है, क्योंकि तो सामान अपने को अच्छे मिला है। और अब मैं चाहूँ तो अभी मेरे शवल और एक्स बना सकूँ, लेकिन अभी मुझे आर्मर चाहिए मेन। और जब तक पत्थर वगैरह नहीं आएंगे तो अभी पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि तो अभी तक एक बार भी स्टोन या ऐसा कुछ भी नहीं आया। जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक वही अपन कुछ प्रोग्रेस कैसे करेंगे, जैसे स्टोन और बाकी सब चीज़ें। तो इसमें क्या सोच रहा हूँ अपन आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ऑफलाइनर खेलूंगा, लेकिन पहले बोलते तो मैं भाई, मैं तो मेरी वीडियो लेसन भी मेरी क्रिएटिव नहीं है, और जो भी मेरी चीज़ें क्रिएटिव नहीं है ना, इसको भी मैं भाई प्योर सर्वाइवल। इसमें तो भाई मेरे चीट्स ही आई थिंक ऑफ होंगे, दिखा देता तुम्हें। तो देखो भाई चीट्स ही ऑफ है, तो भाई बिना क्रिएटिव बिल्कुल सर्वाइवल, प्योर सर्वाइवल। ये तो मेरा प्लेज है, इस बार हमेशा प्लेज रहता है, और इस बार भी प्लेज है कि ये ब्लॉक को सर्वाइवल होनी चाहिए। जो पुरानी थी वो थोड़ी क्रिएटिव थी, इसलिए भाई प्योर सर्वाइवल सोचा है भाई। अगर क्रिएटिव गया तो भाई मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर मैंने क्रिएटिव से कुछ भी लिया और कुछ भी किया भाई, डिलीट सीधा। तो गाइस बहुत कन्फेशन मेड कर लिए, अब अपन वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो खींच रही है। तो गाइस अगर तुम लोग को मेरी वीडियो पसंद आता वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।